कई बार जो है हम अपने लीक से हटके वीडियो लाने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरे मोटिवेशनल और टेक रिलेटेड वीडियोस के अलावा ये वीडियो मेरे लिए लाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनके मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे क्लियर करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ संदीप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि हम सभी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे और हम सबको पता है कि एक एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम होता है। हर एक आदमी काफ़ी मुश्किलात से गुजरते हुए एक वीडियो बनाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। मैं नहीं कहता कि सबके साथ ये लागू है, लेकिन नियरली 70% यूट्यूबर्स के साथ यही चीज़ लागू है कि ये उसका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उसे अपने ऑफिस के अलावा, अपने वर्क्स के अलावा, अपने बच्चों को देखने के अलावा, मार्केटिंग करने के अलावा, परिवार की और सारी ज़रूरतें देखने के अलावा इस भी तरह की वीडियो को बनाने के लिए रात में जगना पड़ता है और फिर जो है सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये हर एक यूट्यूबर करता है, किसी के लिए कुछ अनोखी बात नहीं है। चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो भी मौसम हो, उसमें आप अगर आपके पास एसी है तो आप एसी में रहते हुए बनाएंगे, अगर आपके पास एसी नहीं है तो आप पसीने में तरबतर होकर बनाएंगे। वीडियो बनाना अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो ये तो हो गई सब यूट्यूबर्स की बात, लेकिन कई बार अब ये देखने में आता है कि चूंकि हम तो कोई बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि दूसरे की वीडियोस को वॉच करना पड़ता है, तभी दूसरे हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं और तभी आपके पास व्यूज़ आते हैं और तभी जो है आप आगे बढ़ पाते हैं, आप अपने सारे कंटेंट को लेके आ पाते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है जैसे ही आपकी वीडियो आती है तुरंत के तुरंत जाके वीडियो देखते हैं और अपने कंटेंट को जो है आपके कंटेंट के ऊपर जो है कमेंट करते हैं। अब वो वीडियो एक मिनट वॉच करते हैं कि अब वो वीडियो जो है आपके फुल वॉच करते हैं, इसी गारंटी कोई भी नहीं लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जेन्युइनली किसी की वीडियोस को वॉच करते हैं, जब टाइम मिलता है तब वॉच करते हैं। कई बार टाइम नहीं मिलता है तो हम उनकी वीडियो को प्ले कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त आपके पास फ्री और हर वक्त जो है आप उसकी शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखें, क्योंकि और ऊपर से अगर आप एक दिन में 3-4 वीडियोस पोस्ट कर रहे हो तो वो और भी मुश्किलात हो जाते हैं। अगर आप जो है साप्ताहिक रूप से 1 या 2 वीडियो ला रहे हों तो वो हमारे लिए इजी होता है कि चलो एक बार वीकेंड में जा करके और उसे एक बार सुन भी लिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पसंद तो होता है टॉपिक, लेकिन हम मजबूर होते हैं कि हम आपकी वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम वीडियोज़ को प्ले कर देते हैं। तो जब वो प्ले होता है तो वो लूप में प्ले होता चला जाता है प्ले लिस्ट के हिसाब से। इसके बाद उस जगह पर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जब आपके पास मौका मिलता है तो आप सोचते हैं कि आप वहाँ कमेंट कर देते हैं। पर आपको भी ये रूल पता है, मुझे भी ये रूल पता है कि कमेंट जब भी हम करते हैं तो उसको हम 1 मिनट वॉच करके ही कमेंट करते हैं, ताकि जो है कमेंट स्पैम में ना चला जाए, क्योंकि एक दूसरे के भरोसे के ऊपर ही ये यूट्यूब चलता है, ये आपको भी पता है। तो जब हम उस कमेंट को जब हम करते हैं, तो जब आप वॉच करते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि हर 2 मिनट के अंदर जो है एक एक कमेंट आया, यानी कि लगभग 2 से 3, एक एक मिनट आप लगा लो 4 वीडियो के ऊपर, तो 4 मिनट में 4 कमेंट आपके चले जाते हैं। वो आपको दिखाएगा within 3 minutes, within 2 minutes, within 1 minute। लेकिन एक एक मिनट पूरा वॉच करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो कमेंट स्पैम में ना चला जाए। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी वीडियो ऑलरेडी प्ले की जा चुकी है। इसे हम प्रैक्टिकली समझा नहीं सकते किसी को जब तक कि आप भरोसा नहीं करेंगे किसी के ऊपर, और भरोसे पर यूट्यूब चलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल लोगों के अपेक्षा जो है जेन्युइन लोगों को खो देते हैं, क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। कई बार ये हर्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम उसको फुल वॉच टाइम दे रहे हैं और सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। मेरे काफ़ी नज़दीकी लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है, 1-2 लोगों के साथ जिनको ये डाउट हुआ है कि शायद हम लोग उन्हें जेन्युइन वॉच टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मेरी अब से आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नॉलेज के लिए कोई वीडियो देखनी हो या मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखनी हो, तो आप मेरे वीडियो पर ज़रूर आइए, बने रहिए और यहाँ से कुछ गेन करके जाइए। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं आपकी वीडियो देखूँगा तभी आप मेरी वीडियो देखेंगे, तो फिर भाई मैंने आज तक कभी किसी को कंप्लेंट नहीं किया कि आपने मेरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। और विश्वास करें, अभी तक मैं ये आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ स्नैपशॉट में कि मुझे मेरे वॉच टाइम का लगभग 11.5% ही मिला है सब्सक्राइबर से, यानी कि मेरा वॉच टाइम आज की डेट में 4900 आवर्स है। उसका आप 11.5% निकाल लीजिए। सारा कैलकुलेशन मैं आपको अगले स्लाइड्स में दिखाऊंगा यहाँ पे कि कितने मेरे को वॉच टाइम लोगों से मिले हैं टोटल, और जब ये साल भर में इतना मिला है तो महीने में कितना मिला है, और महीने में मिला है तो पर डे में कितना मिला है। लेकिन शुरू से लेके अभी तक का मेरा सारा आप वीडियोज़ वॉच कर लीजिए एक बार,
आप जेन्युइनली फाइंड करेंगे, मैंने किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं किया कि इस बंदे ने मेरी वीडियो कितनी वॉच की है, क्योंकि इतना मॉनिटर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब मैं अपने ऑफिस करता हूँ, जब मैं अपना जो है वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं ये व्यू में रख के नहीं बनाता हूँ कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो 700, 800, 1000 चले जाए। हर कोई चाहता है कि वायरल हो जाए, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि मैं अभी वायरल भी होना नहीं चाहता हूँ, तो व्यूज़ से मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं भी किसी को ये नहीं चाहूँगा, लेकिन इन एक साल दो महीने में मैंने कम से कम 6, 7, 8 लोगों को देख लिया जो हर समय ये बोलते हैं कि मुझे मेरा वॉच टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने तो कभी आपसे कंप्लेन नहीं किया कि मुझे मेरा वॉच टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने अपना वॉच टाइम कहाँ से निकाला वो मुझे पता है, आप अपना वॉच टाइम कहाँ से निकाल रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो जब हम जेन्युइनली अपना काम करते हैं ना, तो हमें फील होता है जब ये बोला जाता है कि आपने जो है मुझे वॉच टाइम नहीं दिया है, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका वॉच टाइम ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ये आपके एडिशनल वॉच टाइम है। तो मैं हर किसी को ये चीज़ नहीं समझा सकता, इसके पहले भी मेरे साथ 2-3 लोगों ने इस चीज़ को पूछा है। तो अब अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका वॉच टाइम पूरा नहीं मिल रहा है, तो फिर इस चैनल पर आके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि उन लोगों के पास जाइए जो एक्चुअली में आपको सच में वॉच टाइम दे रहे हैं, ऐसा आपको अगर लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा जो है मुझे वॉच टाइम देता है, तो आप मेरी वीडियोस पे आएँ, आप आके यहाँ पे नॉलेज भी गेन करें, आप आके यहाँ पे जो है अपने वक्तव्य को भी रखें, आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। लेकिन मुझे अगली बार से ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं किसकी वीडियो वॉच करता हूँ, किसकी वीडियो वॉच नहीं करता हूँ। हर किसी के अपने कमिटमेंट्स हैं, हर किसी के अपने अलग रोल हैं, हर किसी का अपना जो है वे ऑफ देखना, मतलब वॉच टाइम देने का तरीका है। कोई जो है जेन्युइनली वॉच टाइम देता है, कोई जो है नहीं देता है। जो नहीं देता है उसको ज़रा भी फील नहीं होगा अगर आप उसे पॉइंट आउट कर देंगे, लेकिन जब कोई आपको देता है तो उसे बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि वो बंदा आपको समय भी दे रहा है और उसके बाद जो है वो शक के दायरे में भी आ रहा है। तो इससे बेटर यही है कि आप जो है प्लीज़ उसके पास ही जाएं जिसे आपको लगता है कि आपको जेन्युइन वॉच टाइम दे रहा है। अब आप देखिए, शुरू से मॉनिटर करके मेरे कुछ जो वीडियोस हैं उसमें जो है 11-11 हज़ार व्यूज़ भी गए हैं, कुछ जो वीडियोस हैं उसमें जो है मेरे 500 व्यूज़ भी गए हैं, 1000 भी व्यूज़ गए हैं। और आज देख लीजिए कि आज की डेट में कई बार मेरे पास 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो कितने लोग मेरे साथ जुड़े, कितने लोग जो है आए, कमेंट किए, अच्छा अच्छा भी लिखे, और जब उनका चैनल जो है ग्रो हो गया तो आगे निकल पड़े। कई लोग ऐसे हैं जो साथ में जुड़े, साथ में अच्छा अच्छा लिखे, कई लोग हतोत्साहित हो गए और वापस चले गए। लेकिन आप ये देखिए कि भले ही वो 15 व्यूज़ आ रहे हों, 20 व्यूज़ आ रहे हों, 25 आ रहे हों, 30 आ रहे हों, लेकिन मैं एज अ जेन्युइन बंदा जो है आपको एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे जो है आपको 8 AM या 8 PM के आसपास में एक वीडियो किसी ना किसी तरह से लेके आता हूँ। ये मेरी मजबूरी, आप समझ लीजिए। ये नहीं है कि एक शेड्यूल टाइम पे शेड्यूल वीडियो को लॉन्च करना और उस पे आप टिके रहना एक अचीवमेंट ही माना जाता है, भले ही व्यूज़ कम आ रहे हों, क्योंकि वो लोग निकल चुके हैं जो ग्रो होकर आपके साथ आगे बढ़ गए, वो लोग बैकआउट हो गए जो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो व्यूज़ तो वही आएंगे ना जो आपके साथ बने हुए हैं, जो आपके एक्चुअली में दोस्त हैं। जो आपके दोस्त हैं ही नहीं, वो कहाँ से आपको व्यूज़ देंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे नज़दीकी रिलेटिव्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे नज़दीकी दोस्त भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, ओकेजनली आके यहाँ पे कमेंट करते हैं और फिर चले जाते हैं। मुझे सब पता चल जाता है कौन कितना वॉच टाइम दे रहा है, आपको भी पता चल जाएगा कौन कितना वॉच टाइम दे रहा है। लेकिन हर समय कंप्लेन क्या करना, क्या हम LKG के और नर्सरी के बच्चे हैं जो हम हर किसी को कंप्लेन करते चलें कि मुझे मेरा वॉच टाइम नहीं मिला है। अगर आपको थोड़ा भी यकीन होगा तो आप ये क्वेश्चन मुझसे पलट के पूछेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा जब एक बार बोल रहा है इसका मतलब ये दे रहा है वॉच टाइम। अगर नहीं बोलना होता है तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो कभी नहीं बनाता, मैं चुपचाप साइड होकर निकल जाता, क्योंकि इसमें मेरी गलती होती। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि व्यूज़ का कोई भी इल्म नहीं है, आप 10 व्यूज़ ही दीजिए, 15 व्यूज़ ही दीजिए। अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मेरे वीडियोस यूँ ही आगे आते रहेंगे, क्योंकि मुझे लंबा रहना है। और जिस समय ये जो मेरे ऊपर एक बंदिश है ना कि मैं अपने आप को वायरल नहीं कर सकता, जिस दिन ये बंदिश मेरे ऊपर से उड़ जाएगा, उस दिन आपको नया स्टूडियो भी देखने के लिए मिलेगा और आपको जो है नए नए अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, जो कि आपको हमेशा वीडियोज़ तो अभी भी मैं अच्छे ही लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे कि लोग आगे बढ़े, जिससे कि लोग मोटिवेटेड हों, जिससे कि लोग अच्छा टेक्निकल नॉलेज ले पाएँ। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है ना कि इस बंदे में दमखम नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट मत करें। लेकिन आप यही सोचें कि 1100 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे व्यूज़ आते हैं 15-20, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलिए कि आप जितने लोगों को फॉलो कर रखे हैं, आप उनमें से कितने को आप फुल वॉच टाइम देते हैं। कुछ ही लोगों को देते होंगे ना, जिनको आप एक छोटा सा ग्रुप बना कर रखे हैं। आप उस पर भी अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो फिर
बार बार तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकता इस चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको वॉच टाइम देता हूँ तो आप मेरे वीडियोज़ पर बने रहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज मिलता है तो आप मेरे वीडियोज़ पर बने रहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप मेरे वीडियोज़ पर बने रहिए, वरना प्लीज़ ये बोलने के लिए मेरे चैनल पर कभी मत आइए कि मुझे मेरा वॉच टाइम नहीं मिला। अगर आपको मेरे पर भरोसा है तो यकीन कीजिए वॉच टाइम आपको पूरा मिलता है। अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं है तो प्लीज़ उस बंदे के पास जाइए जहाँ से आपको लगता है कि आपको वॉच टाइम पूरा मिलेगा। आशा करता हूँ मैंने किसी को हर्ट नहीं किया होगा, मैंने बस अपना जो है मन की बात आपके ऊपर रखी है, क्योंकि मन की बात अगर मन में रखें तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, अंदर से आदमी फट जाएगा। लेकिन अगर आदमी अपने बातों को आपके सामने रख देता है, यानी वो आदमी जेन्युइन भी है और अपने मन को हल्का भी करता है। आशा करता हूँ आप अपना साथ यूँ ही बनाए रखेंगे, चाहे वो 15-20 लोग ही क्यों ना हो जो मुझे व्यूज़ देते हैं। मैं उनके लिए ये मानता हूँ कि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ आज तक बने हुए हैं और इन चीज़ों से हर्ट नहीं हुए हैं, आगे बने रहेंगे। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में यूँ ही बना रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।